हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता फैमिली। कैसे हैं आप? और आज मैं आप लोग के लेके आई हूँ एक ऐसे मॉइस्चराइजर का रिव्यू जो है विद SPF 30 के साथ, है ना, अमेजिंग प्रोडक्ट। और मॉइस्चराइजर मिल जाए जो सनस्क्रीन का भी काम करे, तो ये तो हमारे 2-in-1 हो गया ना। तो आज मैं ऐसे ही प्रोडक्ट का रिव्यू लेके जा रही हूँ जो हमारे 2-in-1 का काम करेगा, क्योंकि मॉइस्चराइजर प्लस विद SPF 30 के साथ वो आएगा। चलिए ज़्यादा सीक्रेट ना रखते हुए मैं उस प्रोडक्ट पे चलती हूँ। प्रोडक्ट दिखाने से पहले जो मेरा चैनल पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक करना है और छोटू सब्सक्राइब करना और प्यार सा कमेंट करना अगर आपको वीडियो लाइक अच्छी लगती है। तो प्रोडक्ट है पिलग्रिम ब्रांड का, ब्रांड नेम इज पिलग्रिम। और मैं प्रोडक्ट दिखा देती हूँ। प्रोडक्ट है गाइज ये, और ये क्या है, ये है रेड वाइन सीरीज का फेस क्रीम है विद SPF 30 के साथ। मुझे सबसे बेस्ट पार्ट इसका यही लगा कि ये मॉइस्चराइजर तो है, क्रीम तो है और साथ में SPF 30 भी है। इसलिए एक बार हम लोग प्रोडक्ट को जरा क्लोजर लुक देते हैं कि वो कैसा है और यूज़ करने में कैसा है, और साथ में आप डेमो भी देख लीजिए। प्रोडक्ट है गाइज ये पिलग्रिम ब्रांड का है, और ये सीरीज है रेड वाइन फेस क्रीम SPF 30 के साथ आएगा विद विटामिन सी एंड रोजी फॉयल के साथ। 50 ग्राम का पैक आएगा और एंड फ्रेंच ब्यूटी सीक्रेट है इनका, और ये बहुत ही अमेजिंग, इनके काफ़ी ज़्यादा सीरीज आती है फ्रेंच, कोरियन, स्पेनिश। मुझे यही इस ब्रांड में एक अच्छी बात लगती है कि डिफरेंट वैरायटी रखते हैं। एक्सपीरियंस फर्म एंड रेडियंट स्किन। अब इसके फ़ायदे क्या है इस क्रीम को यूज़ करने के, क्या बेनिफिट क्या है इसके, तो मेक विजुअली यंगर, ब्राइटन एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम सन, क्योंकि SPF 30 तो आपको सन से प्रोटेक्ट करेगा। जो इंग्रेडिएंट है गाइज वो सारे मेंशन है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और जो डायरेक्शन है यूज़ करने का लिखा है कि क्लींजिंग एंड टोनिंग के बाद आपको क्रीम लेनी है और फेस एंड नेक पे अच्छे से मसाज करना है अपवर्ड टू आउटवर्ड मोशन में, और ये आपको देगा परफेक्ट लुक जैसा आप डेमो में देख सकें। बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है और फेस में ईजिली एब्जॉर्ब हो जाती है। एज टेस्ट इट एडवाइस फॉर पीपल हु हैव सेंसिटिव स्किन, तो सेंसिटिव स्किन वाले प्लीज एक बार पैच टेस्ट जरूर कर ले। अगर कोई प्रॉब्लम होती है लाइक ईचिंग, रेडनेस या रैसेज, तो इसको आप बिल्कुल भी यूज ना करें, तुरंत स्टॉप कर दें और बच्चों से दूर रखें। तो गाइज इसका प्राइस कितना है, तो प्राइस मैं आपको बता देती हूँ। प्राइस जिसका गाइज आएगा वो 550 का आएगा, और 24 मंथ की इसकी लाइफ है, तो आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो। और इसमें क्या क्या है, क्या नहीं है इसमें, द पिलग्रिम कोड ये है 100% वेगन, क्यूल्टी फ्री, डर्मेटोलॉजी टेस्टेड है, FDA अप्रूव्ड है, नो प्लास्टिक, नो पैराबेन, नो सल्फेट, नो टॉक्सिक 20 केमिकल। तो चलिए हम लोग प्रोडक्ट पे जाते हैं। क्रीम कुछ इस टाइप से क्यूट सी पर्पल कलर की डिब्बी में आएगी, बहुत ही क्यूट लुक है। प्लास्टिक की बॉटल है ये, कांच की नहीं है। 550 प्राइस मैंने आपको बता ही दिया है, तो चलिए प्रोडक्ट कैसा है वो देख लेते हैं हम लोग। ये जो क्रीम आएगी गाइस ये लाइट पिंक, मैंने एक मास्क का रिव्यू दिया था तो सेम वही कलर ही रहेगा और सेम टेक्सचर एंड सेम स्मेल भी रहेगी, जैसे लगेगा कि कोई बेरी की स्मेल है, सेम वही रहेगी। तो इसमें है विटामिन सी एंड रोजिप ऑयल। विटामिन सी है तो आपके फेस को एक यंगर लुक देगा, रेडियंट रहेगा फेस आपका, और अगर आपके हल्के फुल्के दाग धब्बे हैं तो वो भी धीरे धीरे आपके लाइट हो जाएंगे। मैं ये नहीं बोलूँगी हम कम हो जाएंगे, बट लाइट हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप फेस को टोनिंग कर रहे हो, क्लींजिंग कर रहे हो, मॉइस्चराइजिंग कर रहे हो, सनस्क्रीन लगा रहे हो, स्क्रबिंग कर रहे हो, तो फेस पे बेनिफिट तो मिलना ही मिलना है। अब ये यूज़ करने में बहुत ही अच्छा क्यों लगा, क्योंकि स्टिकी नहीं है यार। समर में हम ऐसी क्रीम ढूंढते हैं जो बिल्कुल भी स्टिकी ना रहे, समर में हमेशा ऐसी क्रीम सर्च करते हैं जो बिल्कुल भी स्टिकी ना हो, फेस पे इजली एब्जॉर्ब हो जाए और उसके बेनिफिट भी जितने हमने पैसे लगाए ना उतने बेनिफिट भी मिले, ऐसा मेरा सोचना है। और ऐसा आई थिंक आप लोग का भी सोचना होगा कि हम जितने भी पैसे पे कर रहे हैं उतना ही बेनिफिट हमें मिले। तो क्रीम में अगर आपको SPF 30 मिल रहा है तो वो तो सबसे बेनिफिशियल पॉइंट हो गया मेरे लिए, क्योंकि क्रीम प्लस SPF, तो मैं इसको इस समय समर में लगाना स्टार्ट कर दी और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि ऑयली स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि ऑल स्किन टाइप वाले कोई भी इसे यूज़ कर सकते हैं। सेंसिटिव वालों के लिए रिकमेंडेशन है कि प्लीज़ एक बार पैच टेस्ट जरूर कर लें, पैच टेस्ट से क्लियर हो जाएगा। पैच टेस्ट अगर करना तो कैसे कर सकते हैं, आप अपने यहाँ पे लगा के चेक कर सकते हैं, नेक पे लगा के चेक कर सकते हैं, तो ईजिली पता चल जाता है कि आपको रैसेस है कि नहीं, क्योंकि पर्टिकुलर किसी इंग्रेडिएंट से हो सकता है या क्रीम ही सूट ना करे, क्योंकि कई लोग की ऐसी स्किन होती है मेरे नोन में भी जिनको फेस पे क्रीम बिल्कुल भी सूट नहीं करती, तो प्लीज़ पैच टेस्ट जरूर कर लें। क्रीम जो मेरे तरफ से तो बिल्कुल भी मुझे सही लगा, कोई भी ऐसा इसमें नहीं लगा कि हाँ ये चीज़ ख़राब है। फेस पे लगाने में भी एकदम कूलिंग सेंसेशन आती है, अच्छा लगता है कि ठंडा ठंडा कूल कूल कुछ फेस पे मैं लगा रही हूँ, तो ठीक है, मुझे क्रीम ठीक लगा, मतलब बहुत समर के लिए बेस्ट है।
तो ये मेरा छोटा सा रिव्यू पिलग्रिम ब्रांड का रेड वाइन सीरीज का, इस क्रीम का रिव्यू कैसा लगा। अगर रिव्यू अच्छा लगता है तो एक प्यारा सा लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्यूटी को जो कि बहुत अमेजिंग होने वाला है और बहुत रिक्वेस्टेड भी है। तब तक के लिए बाय बाय।